तो ये देखिए दोस्तों, एकदम टेस्टी टेस्टी यमी यमी और हेल्दी मैंगो शेक तैयार। हेलो गाइस, इट्स मी दीपा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममाज रेसिपी विद मी। लॉकडाउन चल रहा है यार, बहुत बोर हो गई थी घर बैठे बैठे, तो सोचा यूट्यूब वीडियोज ही स्टार्ट कर दूँ, जिससे कि मैं अपने फ्रेंड्स से भी कनेक्टेड रहूँ। लेट मी टेल यू, इवन माई ममा इज़ गोइंग टू शेयर सम रेसिपीज फ्रॉम हर पिटारा, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई होप यू विल एन्जॉय माई रेसिपी। चलो अब तय तो कर लिया कि यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँगी, तो सबसे पहली रेसिपी कौन सी बनानी चाहिए ये भी तो एक टॉपिक हुआ ना। तो सोचा 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 और फिर याद आया कि आम का सीज़न है, तो चलो आम से स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी है मैंगो से रिलेटेड, वो है मैंगो मिल्क शेक, जो कि सबको पसंद आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, वरना कहीं आम का सीज़न ख़त्म ना हो जाए। लेट मी टेल यू द इन्ग्रीडियंट्स फॉर द रिफ्रेशिंग मैंगो शेक। 1 मैंगो, 2-3 पुदीने के पत्ते, 2 काली मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी दालचीनी, 1 इलायची, कोकम मैंने लिया है डेकोरेशन के लिए, शुगर, मिल्क और हनी। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको कोट लिया है। अब एक आम लेंगे, तो इसको कट कट के हम ब्लेंडर में डालेंगे। इसके बाद 1 ग्लास दूध जाएगा। अब थोड़ा खुश लग रहा है हमें, चीनी आप जितनी मर्जी चाहे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इधर 2 से 3 स्पून यूज़ किए हैं। और उसके बाद जो कुटा हुआ मसाला उसे डालना है, और 2-3 ड्रॉप्स हनी की, अच्छे से ब्लेंड करना है। चटा, ये रहा हमारा मैंगो मिल्क शेक, टेस्टी टेस्टी यमी यमी तैयार है। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे कोकम से, जो कि हमारे घर में लाया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डेकोरेट के लिए यूज़ किया जाए। देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा। अब हम इसे चिल्ड पीना पसंद करेंगे, है ना, मैंगो का मिल्क शेक जो है। ये लो भाई, मैंगो मिल्क शेक तैयार है। अब हम इसे डेकोरेट के लिए 1 मिनट लीव्स और ऊपर से 2-3 ड्रॉप कोकम का यूज़ करेंगे। रेडी है हमारा मैंगो मिल्क शेक।